बहुत बहुत शुक्राना आज गुरु महाराज ने मौका दिया है सत्संग सुनाने का, ब्लेस करने का, आपको भी ब्लेस करने का, मुझे भी ब्लेस करने का। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे मुखमंडल से गुरु जी ही बोलते हैं और गुरु जी ही बोलेंगे, जो वो सुनवाना चाहेंगे आज वही सुनाएंगे। गंगा नाम आपने बोला तो मैं यहीं से शुरू करती हूँ कि गंगा नाम गुरु जी ने किस तरह से दिया मुझे। पहली बात तो आंटी, हम नहीं जानते कि हम गुरु जी से कब से जुड़े होते हैं। आपने 2011 बोला तो 2011 में साक्षात्कार नहीं हुआ था हमारा गुरु जी से। बहुत 2009 एंड में हम लोग गुरु जी के साक्षात्कार हुए। पता नहीं कितने जन्मों से जुड़े हैं गुरु जी से, ये हमें नहीं पता। गुरु जी कहते थे तो अनु नहीं पता कि ए बंदा ए संगत कितनी पुरानी मेरे तो जुड़ी है, बिकॉज इट्स अ सोल जर्नी विद गुरु जी। तो साक्षात्कार हमारा 2009 में हुआ गुरु जी से, और ब्लेस सोल मीरा जौहर आंटी ने हमें साक्षात्कार करवाया गुरु जी से। सो उनका बहुत बहुत सबसे पहले शुक्राना। मैं हम लोग भी आर वेरी ब्लेस्ड एंड ऑब्लाइज टू हर दैट शी कनेक्टेड अस टू गुरु जी 2009 में। शी इज रिलेटेड, शी रिलेटेड टू माय हस्बैंड, अंकल से रिलेटेड है। तो शी इज टू ट्रैवल इंडिया अमेरिका ऑल द टाइम, एंड जब उन्होंने डिसाइड किया कि मैंने यहाँ रहना है तो उन्होंने फिर हमें बताया 2009 में, एंड ऑफ द नाइन। But we are blessed. जब मीरा आंटी ने हमें गुरुजी से जोड़ा तो एक पर she had to go back, you know, वो चली गई 2009 में ही, एंड में वो वापस इंडिया चली गई, उनके ब्रदर की डेथ हो गई थी। तो she had to go with uncle, और हमें जोड़ के हमें जो प्यास और जो भूख वो दे गई गुरुजी से कि क्या है, यू नो, गुरु जी है क्या, और गुरु जी पुल कर रहे थे हमें, जोड़ रहे थे, लेकिन हमारी प्यास बहुत ज्यादा थी। तो उन्हीं टाइम में हमें, मुझे गुरु जी ने दर्शन दिए, गुरु जी ने, और मेरे को दर्शन में गुरु जी ने सपने में गुरु जी मुझे गंगा बुला रहे थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गुरु जी मुझे गंगा क्यों बुला रहे हैं। तो मेरे को लगा कि शायद मुझे गुरु जी का नाम, यू नो, जैसे गंगा बहती है, शायद इसी तरह से उनका नाम लेके चल रहे हैं आगे। तो दिस इज व्हाट आई थॉट, यू नो। तो मैं वहीं गुरुजी के पास ही बैठी, गुरुजी को हाथ जोड़ के बस खुद को बोल दी रही, गुरुजी मैं गंगा, मैं गुरुजी दी गंगा, मैं गुरुजी दी गंगा। तो गुरुजी बोलते तू मेरी गंगा हैगी, तू मेरी गंगा हैगी। तो नहीं समझ आया वो बात, पर जब मैंने शेयर की ये बात, जब सत्संग, तो समय हमें आते भी नहीं थे करने, लेकिन जब गुरुजी ने दर्शन दिए, गुरुजी ने जब गंगा नाम बोला तो मैंने एक बार शेयर किया। मेरा आंटी और मेरी मॉम वगैरह सब बैठे थे, तो मेरी मॉम ने बोला कि मेरा जन्म पत्री का नाम गंगा था, और गीता उन्होंने बाद में रखा था क्योंकि ओल्ड फैशन लग रहा था उनको शायद उस समय कि गंगा बड़ा ओल्ड फैशन नाम है। तो गुरुजी जानी जान है, शायद मेरा अस्तित्व चेंज करना चाहते थे या मुझे वापस उसी वही नाम देना चाहते थे। तो उन्होंने मुझे उसी नाम से पुकारा, गंगा नाम से पुकारा, और तब से बस गंगा ही कहलाती हूँ मैं गुरुजी की। और इसी तरह से गुरुजी अपने चरणों में रखें, बिठाया उन्होंने अपने सिर पे जरूर है, लेकिन मैं गिरती हूँ उनके चरणों में हूँ। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का। और ये जो गंगा मेरी आंखों से बहती है हमेशा से, तो ये भी उन्हीं की देन है। मैं कई बार सोचती हूँ कि गुरुजी क्यों मैं प्यार में, जब भी मैं आपकी बात करती हूँ, मैं इतने मेरी आंसू गिरते हैं, मेरे इतने आंसू गिरते हैं, ये मेरे उनके प्यार में गिरते हैं। और ये गंगा जमुना उन्हीं ने वही बहाते हैं मेरी आंखों से। तो अगर आपको लगे कि मैं, मेरी आंखों से इतना पानी बरस रहा है, तो ये उनके प्यार में बरसता है। अपनी जर्नी, गुरुजी की जर्नी जो गुरुजी के साथ है, इट्स अ वेरी वेरी पायस एंड इट इज सो ब्लिसफुल।
हर किसी की जर्नी अलग है गुरुजी के साथ, हर किसी का कनेक्शन अलग है गुरुजी के साथ, और गुरुजी का ब्लेस करने का तरीका भी हर किसी के लिए अलग है. इट्स वेरी मच टेलर फॉर एवरीबडी. सो हमारी जर्नी 2009 से शुरू होती है और गुरुजी ने हमारा हाथ थामा. और हमें, हम लोग जब पैदा होते हैं तो बड़ी कर्मों के साथ पैदा होते हैं. ये कर्म योगी भूमि है. हम कर्म करने आए हैं, कैसे कर्म करते हैं और कर्म कटवाते हैं, लेकिन क्या हमने भोगने हैं, क्या हमारे कर्म, हम वी आर बॉर्न विद अ बैगेज ऑफ कर्मास, तो हमारे क्या कर्म थे, क्या है, ये सिर्फ गुरु जी, एक गुरु ही जान पाते हैं. और गुरु हमारी लाइफ में तभी आते हैं जब उनको पता है कि माड़ा टाइम आ रहा है, बहुत कुछ ऐसा टाइम है कि उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है, उन्होंने हमें गुरु की जरूरत है. तो 2010 में हमने गुरुजी का बहुत पहला सत्संग ही, गुरुजी का जन्मदिन हमारे घर में बैकयार्ड में बहुत धूमधाम से मनाया. और वो फर्स्ट सत्संग था न्यूयॉर्क में, पहली बार उस गुरुजी का जन्मदिन मनाया गया हमारे घर में. और उस समय मेरे बच्चे इतने कनेक्टेड नहीं थे, यू नो, और तो हम बोलते थे गुरुजी, तो उनको समझ नहीं आता था कि कभी हमारे पेरेंट्स साई बाबा को मानते हैं, कभी शिव जी को मानते हैं, कभी अब गुरुजी, यू नो. तो बच्चों को समझाना थोड़ा सा उनको करना, यू नो, बट ये एनर्जी है जो हमें पुल करती है. हम नहीं चूज करते गुरु, गुरु हमें चूज करते हैं. तो और हम उस समय बस वो हमारा माइंड ट्यून हो जाता है और हम चल पड़ते हैं. तो ये गुरु की ताकत होती है. हमारे पास इफ्स एंड बट्स नहीं होते उस समय जब हमें गुरुजी जोड़ते हैं. तो हम जुड़ गए बस गुरुजी से. और 2010 में बड़ी अच्छी लाइफ चल रही थी. और 2011 की बात है, गुरुजी का अगेन फिर हमने फिर सत्संग, गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया हमारे बैकयार्ड में गुरुजी का, बड़ी धूमधाम से. और उस समय मेरे बच्चे भी थोड़ा सा जान गए थे कि माय पेरेंट्स आर टोटली इनटू गुरुजी. और मेरे बड़े बेटे को मैंने कहा था कि बेटा लास्ट टाइम तो आप नहीं आए थे, कोई सेवा नहीं करी थी, इस समय आना, थोड़ा सेवा करना, जल्दी आ जाना. एंड ही केम और गुरुजी की सेवा करी उसने, लंगर सेवा में खड़ा था, सब लंगर सेवा करी. ये सत्संग में हमेशा सुनाती हूँ, मेरे को मेरे अंकल भी कहते हैं, तो हमेशा ये सत्संग सुनाती है. क्योंकि ये सत्संग मैंने मांगा है गुरुजी से, मांगा था, और गुरुजी की कृपा हुई है. कर कृपा तेरे गुण गावा, अंकल ये वाला शब्द था, कर कृपा तेरे गुण गावा. तो ये उन्होंने बहुत बड़ी कृपा करी हम पे. और गुरु जी कहते थे कि मैं की ब्लेस किता सुना, सत्संग सुना, तो गुरु जी का जो ब्लेस किया हुआ जो सबसे बड़ा सत्संग होता है, आप सबसे पहले सुनाते हो, उनकी मेहर सुनाते हो, उनकी ब्लेसिंग सुनाते हो. तो इसी से मैं हमेशा स्टार्ट करती हूँ मेरे बच्चे के सत्संग से. तो मेरे बड़े बेटे ने 7 जुलाई को गुरु जी का बर्थडे पे उसने सेवा करी. और 21 जुलाई को अर्ली मॉर्निंग ही वॉज अरेस्टेड फॉर अ फेडरल क्राइम अर्ली मॉर्निंग. तो समझ नहीं आया गुरु जी क्या हुआ, यू नो, कहाँ भूल होगी, कैसे, यू नो. बच्चा मेरा वेरी सिंपल, वेरी सीधा, यू नो, हर माँ के लिए बच्चे सांझे होते हैं, सब अच्छे होते हैं, लेकिन क्या था क्या नहीं था हमें भी नहीं पता, यू नो. लेकिन ही वॉज अरेस्टेड फॉर द फेडरल क्राइम. और जो लॉयर्स थे वो उसकी सजा 15-20 साल कह रहे थे, बता रहे थे. एंड ही वाज ओनली 25 इयर्स ओल्ड. तो बड़ा हमें लगा कि ओ माय गॉड, यू नो, इतने साल, यू नो, कैसे करेंगे हम बच्चे के बिना. और ना उसको बेल मिल रही थी, ना कुछ, यू नो. बट गुरुजी का एक विश्वास, एक प्यार, एक कुछ था जो हमें जोड़े रख रहा था गुरुजी से. और ना हमने शिकायत करी गुरुजी से, सिर्फ गुरुजी को यही बोल रहे थे कि हमें पता है गुरुजी आप कुछ ठीक कर रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, यू नो, आपकी लीला चल रही है, आपकी लीला चल रही है, बस ऐसे ही बोलते रहते थे मेरे अंकल. तो मेहर करो गुरुजी, मेहर करो.
उस समय मेरे अंकल चले जाते थे, ज्यादा सत्संग भी नहीं होते थे, 2011 की बात है, ज्यादा सत्संग नहीं होते थे, इतनी संगत नहीं जुड़ी हुई थी आनी ऑफ में। तो मेरे हस्बैंड चले जाते थे बाबा की मंदिर में, और बाबा के वहां पे बहुत रो के आ जाते थे, यू नो, क्योंकि घर पे वो मेरे सामने रोते नहीं थे। तो एक बार वो गए हुए थे, मंदिर गए हुए थे, पीछे से मुझे फोन आता है चंडीगढ़ से एक आंटी का, जिनका नाम दीप आंटी है, दीप कारजा आंटी, और वो मुझे फोन करती हैं, मुझे कहती हैं कि आंटी हम न्यूयॉर्क आ रहे हैं, मेरी बेटी की शादी है और हम आके आपके घर में शादी करना चाहते हैं मेरी बेटी का। तो मुझे लगा कि पहली बात मैंने पूछा आंटी आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला, तो उनको रमा आंटी से नंबर मिला था, रमा बैल आंटी से, और उन्होंने कहा कि हम शादी करने आ रहे हैं, पूछा नहीं हमसे, पूछ नहीं रही थी वो, सिर्फ बोल रही थी हम आना है अपनी बेटी को। तो मेरे को लगा शायद उनको घर की जरूरत है, शायद यू नो दैट्स व्हाई शी इज आस्किंग कि हम आ रहे हैं। तो मेरे ब्रदर मेरे घर के पास ही रहते हैं, तो मेरे को लगा कि मेरी भाभी उस समय बच्चों के साथ इंडिया गई हुई थी, उसका घर खाली था, तो थिंक आंटी का कनेक्शन, यस आंटी, थिंक वी लॉस्ट, यू लॉस्ट योर कनेक्शन आंटी, आर यू ऑन म्यूट आंटी, आप म्यूट पर हैं, अनम्यूट कीजिए आंटी, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हैं आंटी। आंटी ने शायद एक और आईडी से ज्वाइन किया था पहले, अभी शायद दूसरी आईडी से है, वो दूसरा आईडी था शायद आंटी का। हाँ जी, हाँ जी आंटी, इफ यू क्लिक ऑन योर स्क्रीन लेफ्ट हैंड साइड इज म्यूट अनम्यूट, नहीं हो रहा, नहीं करेगा आंटी, आई थिंक आंटी ने किसी दूसरी आईडी से वो सत्संग कर रहे थे, ये दूसरा आईडी है, मैंने दो आईडी थे जो होस्ट बनाया था। हाँ जी, हाँ जी, एक पे उन्होंने गुरुजी का दरबार रखा हुआ है और एक पे इसी पे वो बोल रही थी, अभी वो ज्वाइन कर लिया है उन्होंने। ठीक है, ओके, नाउ फाइन, या बिकॉज़ वो कोई फोन आ गया था तो मैंने गलती से वो काट दिया। नो नो इशू आंटी, यू कैन कैरी ऑन। ओके, तो मैं गुस्सा है, फोन भी बहुत बीच में आ जाते हैं। तो उनको मेरे को लगा कि उनको घर की जरूरत है, यू नो, तो आई आस, मैंने कहा मेरे ब्रदर पास में ही रहते हैं, तो आप वहीं पे रह जाए, यू नो। तो उन्होंने तो बड़ी हैवी हार्टेड उन्होंने कहा कि यू नो कि यू नो अच्छा आंटी ठीक है, और उन्होंने फोन रख दिया। तो मेरे हस्बैंड जब अंकल जब वापस आए मंदिर से, तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे कोई आंटी का कॉल आई थी चंडीगढ़ से, और वो पूछ नहीं रही थी, बोल रही थी कि मेरी बेटी की शादी और मैं बेटी की शादी करने आ रही हूँ। तो मेरे अंकल बोले कि फिर तुमने क्या बोला? तो मैंने कहा कि मैंने भाई का घर ऑफर कर दिया, यू नो, मेरे को लगा कि हम ऐसे हालात में, जबकि हमारा माइंड इतना यू नो बच्चे में है, और मेरे हस्बैंड का जो काम था वो मेरे बच्चे के नाम पे था, और अंकल आल्सो लॉस्ट ऑल हिज वर्क, यू नो, जितना बिजनेस था वो एकदम फ्रीज कर दिया उन्होंने, और हमारे अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिए, और यू नो, तो मेरे अंकल का काम भी नहीं था और मेरा बच्चा भी अंदर था विद, वी डिडंट नो हाउ लॉन्ग ही इज गोइंग टू बी देयर। तो जो लॉयर बोल रहा था दैट वाज वेरी स्कैरी। तो अंकल ने मुझे पूछा कि तुमने क्या कहा? मैंने कहा मैंने भाई का घर ऑफर कर दिया।
तो मेरे अंकल बोलते तो समझी नहीं, गुरु मैं संगत आना मीन्स गुरु का आना है और शादी मीन्स खुशियां, यू नो, तो गुरु जी आ रहे हैं, खुशियां लेके आ रहे हैं। तो तुमने नंबर लिया? मैंने कहा या आई टुक हर नंबर। तो बोले कि अभी कॉल करो और उनको बोलो कि आ जाओ, यू नो, सुखाना लाओ। हमारे पंजाबियों में एक वर्ड होता है सुखाना, तो बोला बोलो कि सुखाना आ जाओ। तो मैंने आंटी को कॉल किया, दीप आंटी को, और मैंने आंटी को बोला कि आंटी सॉरी, कल मैंने आपको अपने भाई का घर ऑफर किया था, ये घर गुरु का घर है, आप सुखा ना लाओ और शादी, अपनी बेटी की शादी करो। तो आंटी तो इतनी खुश हो गई, उन्होंने जयकारा मारना शुरू कर दिया, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी आज भी जयकारा के नाम से जानी जाती हैं, आंटी बहुत जयकारा करती हैं, एंड शी वाज वेरी वेरी हैप्पी। और पर एनीवे, और विद इन अ वीक दे वर सपोज टू कम, अगस्त 26 की बेटी की शादी थी, तो और जुलाई की है बात ही, तो एक महीने के अंदर ही सब कुछ गुरुजी ने फटाफट, यू नो, कर्म काटने के लिए कैसे गुरुजी करते हैं, यू नो, ये वो ही जानते हैं। तो एक वीक के अंदर आंटी आई, हमें तो पता भी नहीं था कि कितनी बड़ी शादी है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, यहाँ पे कैसे होएगा। तो मैं और मेरे अंकल बैठ के बात बोल रहे थे कि यू नो बच्ची का काज है, हमारे तो दुख सुख चलता रहेगा, यू नो वी विल नॉट रिवील टू देम कि हमारे लाइफ में क्या चल रहा है, इनका काम नहीं है और बच्चा अंदर है, तो यू नो क्यों किसी की शादी खराब करनी, तो वॉट एवर वी कैन डू विल डू इट, यू नो। और उनको पता भी नहीं होने देंगे, दो चार दिन की बात है और ये खत्म हो जाएगा, चला जाएगा, एंड देन वी विल गेट बैक टू आवर थिंग। तो आंटी आई, आंटी और उनकी बेटी आई, उनके अंकल थे, सरदाजी अंकल थे, और वो जैसे ही हमारे घर के अंदर आए, वो दो तीन सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आए, अंकल तो he was not feeling well that time, you know, उनके चल भी नहीं पाते थे, लेकिन वो आंटी और बेटी को पीछे छोड़ के सबसे पहले वो अपने आप चल के सीढ़ियां चढ़ के हमारे घर के अंदर आ गए और मेरे सामने आके खड़े हो गए। और उस समय जो हमारे यहाँ पे उस समय 24/7 शब्द चलते थे, हम शब्द से ही सोते थे, शब्द से ही उठते थे, क्योंकि शब्द ही हमें यू नो पीस देता था। तो उस समय शब्द जो आया, आज मेरे गुरु आवड़ा जी, और गुरु अंकल जो मेरे सामने खड़े हो गए, वो तो ऐसा लगा जैसे गुरु नानक देव जी साहब साक्षात मेरे सामने आके खड़े हो गए। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, बहुत प्यार किया मुझे, बहुत प्यार किया, और मैंने भी उनको जैसे, मैं जानती भी नहीं कौन है क्या नहीं है, पर उस समय मुझे लगा जैसे मेरे गुरुजी आ गए, यू नो, और मैंने उनको जोर से उनको गले से लगा लिया, और यू नो बहुत प्यार, बहुत प्यार, उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया। और हम भूल ही गए थोड़े टाइम के लिए, यू नो, हम उनकी शादी की तैयारी करने में लग गए कि क्या करना है और क्या नहीं करना। इतना प्यार उस बच्ची ने दिया और उन आंटी ने दिया और अंकल ने हमें दिया, और हमने थोड़ा थोड़ा, यू नो, संगीत, थोड़ा संगीत, थोड़ा हल्दी, यू नो, जो भी हमसे बन पाया उस समय, हम अपने रिश्तेदारों को या बहुत फ्रेंड्स को नहीं बोल पा रहे थे, कहेंगे पागल हो गए हैं, बच्चा भी अंदर है, कुछ पता भी नहीं चल रहा, और ये घर में गुरु परिवार की शादी कर रहे हैं, यू नो। तो वी वर, आई जस्ट कॉल्ड टू ऑफ माय फ्रेंड्स जो मेरे बहुत करीब थी, तो मैंने उनको बोला कि यू नो आप आ सकते हो हमारे घर में, ऐसे गुरु परिवार की बेटी आई हुई है और उसकी शादी करनी है और उनका कोई भी नहीं है यहाँ पे, कैन वी डू लिटिल हल्दी समसंगी तो समथिंग, यू नो, कैन वी डू इट एट होम। तो वो आ गई दोनों जने, एंड वी डिड दैट। उसकी बच्ची की हमने मेहंदी करी, हल्दी करी, और थोड़ा सा नाचे कूदे, संगीत किया, यू नो, घर में चार पांच जने ही हम लोग आपस में, भूल गए कुछ टाइम के लिए, गुरुजी ने बुला दिया, गुरुजी शायद ये कह रहे थे उठो खड़े हो, किस यहाँ पे लगाया हुआ है, मैं कर्मा कट रहा थोड़ा, और
उठा दिया उन्होंने, शायद हम उठ ना पाते, शायद यू नो अगर ये चीज नहीं होती शायद हमें वो सोच ही नहीं देते गुरु जी, हमें वो समझ ना देते यू नो मेरे अंकल को या मुझे, तो ये चीज नहीं हो पाती। वो कर्म कटवा रहे थे हमारे, एक पिता पर कर्म कटवाते हैं यू नो, प्यार करते हैं, हम कहते हैं ना कि हमारे टेस्ट होते हैं, गुरु जी टेस्ट लेते हैं, गुरु जी टेस्ट नहीं लेते, वो हमारे हम अपने बच्चों के टेस्ट कैसे हम कहाँ लेते हैं, हम अपने बच्चों के थोड़ी टेस्ट लेते हैं, तो गुरु जी हमारे टेस्ट नहीं ले रहे होते हैं, वो हमारे कर्म कटवा रहे होते हैं, वो स्क्वीज जो करते हैं वो हमारे कर्मों को स्क्वीज करते हैं और हमें मोक्ष करते हैं उन कर्मों से, जो हम बैगेज के साथ पैदा होते हैं और जो हम यहाँ पे भी इस जन्म में भी कहाँ सच्चे होते हैं यू नो, कितने ही कर्म और बना पाते हैं जाने अनजाने, तो वो कटवा रहे होते हैं गुरु जी, तो वो कटवा रहे थे, पर वो समझ भी गुरु जी ने ही दी यू नो। तो शादी हुई, जब हम गुरुद्वारे में शादी थी, हम लोग गए, तैयार हुए हम लोग, तो गुरुद्वारे में आंटी मुझे बोलती हैं कि अंकल और मुझे कि फिर उनके होने लगे, तो कह रहे कि आंटी आप दोनों कन्यादान करेंगे, तो हमने कहा आंटी हम कन्यादान कैसे करेंगे, आपकी बेटी आप कन्यादान कीजिए, बोले नहीं नहीं ये मेरी ऑलरेडी दो बेटियां हैं जिनकी मैं कन्यादान कर चुकी हूँ, शादी हो चुकी है, ये मेरी थर्ड डॉटर है और गुरु जी ने आपके लिए भेजी है, शी डजंट नो एनीथिंग अबाउट माय सन, कुछ नहीं पता उन आंटी को, पर ये गुरु जी करवा रहे थे, तो उन्होंने बोला नहीं आंटी आप अंकल इसका कन्यादान करेंगे, और उन्होंने हमें वहां खड़ा करके उनसे उनका बेटी का कन्यादान कराया। मेरे दो बेटे हैं, शायद मैं कभी कन्यादान का तो मुझे कभी मिलता नहीं, कहते हैं सबसे बड़ा दान गौदान और फिर कन्यादान होता है, और कन्यादान सबसे बड़ा दान कहते हैं, तो वो शायद मैं कभी ना कर पाती, तो कर्म कटवाने का गुरुजी का ये तरीका बड़ा ही डिफरेंट था, और सोजी भी उन्होंने दी, बेटी भेजी घर में और हमारे कर्म कटवाए उन्होंने कन्यादान करवा के, हमने कन्यादान किया और बेटी बड़ी खुशी से आराम से अपनी चली गई। उन दिनों बड़ा तूफान भी आया था, कोई न्यूयॉर्क में टोर्नेडो बहुत जबरदस्त यू नो, एंड समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह का तूफान है ये, हमारे घर के अंदर इतना बड़ा तूफान था, बाहर क्या तूफान आ रहा समझ ही नहीं थी, और पहली बार न्यूयॉर्क में हमारी लाइट इतने टाइम के, कभी हमने 25 साल से हम रह रहे थे यू नो, हमने कभी लाइट्स ऑफ नहीं देखी कि कभी लाइट चली गई हो, तो उस उन दिनों लाइट चली गई यू नो, हमारे घर में लाइट नहीं थी, पूरे ब्लॉक में पूरे न्यूयॉर्क में हमारे उस तरफ एटलीस्ट हमारे एरिया में तो नहीं थी, तो आंटी ने अंकल ने जाना था और वो एक हफ्ता और रह गए यू नो, वो नहीं गए, तो एक हफ्ता जब रह गए तो इट वाज अ लिटिल लॉन्गर टाइम, तो पता तो कुछ चलना ही था क्योंकि फोन आते थे, लॉयर्स के फोन आते थे, मैं चुप चुप के बाथरूम में भाग जाती थी, कभी बाहर चली जाती थी फोन अटेंड करने के लिए, तो आंटी ने देख रही थी कि कुछ है समथिंग दैट दे आर हाइडिंग यू नो, तो एक दिन मुझे पकड़ के उन्होंने गुरु जी के सामने जाके खड़ा कर दिया, मुझे बोले कि हम गुरु बहने हैं यू नो, गुरु जी ने आपके घर भेजा है हमें, आपकी बेटी बना के मेरी बेटी को आपकी बेटी बना के भेजा, हम बहनों की तरह हैं, आप गुरु जी के सामने खड़े हो और बताओ मुझे कि क्या दुख है यू नो, मेबी वी कैन हेल्प यू, वी कैन डू समथिंग यू नो, क्या दुख है, समथिंग यू हाइडिंग, तो मैं गुरु जी के सामने झूठ नहीं बोल सकी और मैंने उनको बताया कि ऐसे से आंटी अंकल का काम भी नहीं है और मेरा बच्चा अंदर है, तो उन्होंने फटाफट मेरे बेटे की फोटो ली और गुरु जी के चरणों में रख दी और गुरु जी को अरदास करी उन्होंने कि गंगा आंटी का बेटा जल्दी से लिख के उसको कुछ नहीं होना चाहिए, और जब सारी कायनात सारी परिवार जब प्रार्थना करते हैं तो यू नो गुरु जी सुनते हैं, गुरु जी ने बड़ी मेहर करी, बहुत बड़ी मेहर करी मेरे बच्चे के ऊपर, जो इतनी बड़ी सजा थी 15-20 साल की, सारी सारी सजा काट खत्म कर दी उन्होंने, और सिर्फ दो साल की सजा जो कि मैंडेटोरी थी उसमें ले आए, उसके जितने एलिगेशन से सारे हट गए, सारे सब कुछ हट गया,
जो उसको रिंग लीडर जो इतनी बड़ी सजा जो बता रहे थे वो सारा गुरुजी ने हटा दिया। और जज तो ये भी यहाँ तक कह रहा था कि आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, यू नो आई सो मेनी लेटर्स यू नो पीपल हैव रिटन फॉर हिम, सच गुड रिकमेंडेशन फ्रॉम हिम, आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, आई विश आई कुड लेट हिम गो राइट नाउ। 1.5 साल तो वैसे ही खिंच गया था, यू नो, तो उसे आई विश आई कैन सेंड हिम राइट नाउ होम, यू नो ही इज अ गुड किड। तो जज ने भी उसको अच्छा बच्चा बता दिया, पर कर्म उसके थे, यू नो, जो उसने काटने थे, शायद उसको गुरुजी ने अंदर रख के जो उसकी जर्नी करवाई, अंदर रह के भी बच्चे ने आई थिंक गुरुजी ने ही करवाया उससे, कुरान गीता बाइबल क्या नहीं पढ़वाया उस बच्चे से, इतना कुछ पढ़ गया। मैं जब उसको काउंसल उसको मिलने जाती थी, मेरे को लगता था मैं उसको काउंसल करने जाती हूँ, लेकिन वो मुझे काउंसल कर रहा होता था, यू नो। सो गुरुजी ने उसको अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा बना दिया, यू नो, उसकी सोच उसकी समझ इतनी डिफरेंट हो गई, उसने जो देखा उसने जो अंदर जो गुरुजी ने उसकी जर्नी कराई उसको पॉलिश कर दिया गुरुजी ने। और यहाँ पे हम सबको हमारी जर्नी भी उसके साथ साथ हमें भी तराश दिया गुरुजी ने हमें, बिल्कुल हम लगते ही नहीं हम वो बंदे हैं, वो सेम बंदे हैं, हमारी सोच डिफरेंट हो गई, हमारा देखने का नजरिया बिल्कुल डिफरेंट हो गया। हमें इट ओनली कैन हैपन इफ वी अलाउ हिम टू डू दिस। सो जब हम गुरुजी को अलाउ करते हैं, यू नो, और उनकी वाणी में रहते हैं और उनके उनकी जो वो कहते हैं जो वो करवाते हैं हम करते जाते हैं, क्योंकि हम नहीं कर रहे होते, गुरुजी करवा रहे होते हैं, गुरुजी करवा देते हैं हमसे, हमारे में ताकत भी नहीं हम कुछ करने की। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि गुरुजी करवा रहे हैं, यू नो वी कांट डू इट, यू नो। सो गुरुजी से हमेशा मेहर करती हूँ कि गुरुजी आपकी सोच ही देना, आप ही की बाणी, आप ही के कृत, ताकि हम आप ही के बाड़े में रहें और हमेशा आपकी समझ से आपके जो आप करवाना चाहते हैं बस उसी तरह से चलते जाएं, करते जाएं बस। तो ये तो यू नो मेरे बच्चे की जर्नी थी, जो सत्संग मांगा था मैंने कि गुरुजी इसको सत्संग बनाओ, मैं हमेशा शेयर करूंगी। तो इस पल को तो मैं हमेशा जीती हूँ और बड़ी खुशी से जीती हूँ और शुक्राने में जीती हूँ कि मेरा बच्चा ठीक ठाक घर आ गया, जल्दी घर आ गया, और यू नो हमें भी किस तरह से उन्होंने रखा, इतनी अच्छी तरह रखा था गुरुजी ने, हमें पता ही नहीं होते थे हमारे बिल्स कैसे पे हो रहे हैं। और अंकल की जर्नी डिफरेंट थी, अंकल को गुरुजी ने जयपुर भेज दिया और जयपुर में गुरुजी ने वहां पे इनको, ही से डॉक्टर, तो इनका हमेशा मन लगता था, कहते थे कि मैंने इंडिया जाके रहना है, मैंने इंडिया जाके डॉक्टरी करनी है। तो गुरुजी ने शायद उनको वापस इसलिए भेजा कि जाके तू देख ले की करना तेनो, यू नो। तो उस समय वापस से इन्होंने वापस अपना लाइसेंस रिन्यू करवाया जयपुर में जाके, और बट करवाना तो कर तो गुरुजी रहे थे, क्या करवाना था वो तो गुरुजी जानते थे। जयपुर में कभी सत्संग नहीं होते थे, संगत इतनी थी, पुरानी संगत इतनी थी, लेकिन कभी सत्संग कभी नहीं हुए। तो अंकल को वहां भेज के गुरुजी ने सत्संग शुरू करवाया जयपुर में। सो गुरुजी ने एक घर भी वहां पे, मेरी सिस्टर इन लॉ का घर था वहां पे, जो कितने सालों से बंद था, मेरे जीजा जी ने चाबी उनको दी थी, जो कभी उन्होंने चाबी किसी को नहीं देते थे, और बोला कि जा उसको थोड़ा ठीक करा ले और जाके रह वहां पे आराम से। और वो जैसे घर के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि इतना बड़ा हॉल, और यू नो ये तो बिल्कुल सत्संग के लिए हॉल है। तो उन्होंने ठीक ठाक करा के वो सत्संग 2 साल तक गुरुजी ने वहां पे हर महीने सत्संग शुरू करवाया और संगत जोड़ी गुरुजी ने। तो ये गुरुजी की लीलाएं हैं, गुरुजी नोज, यू नो ही नोज व्हाट, किससे क्या कराना है, कैसे टाइम है, क्योंकि एक तीर से पता नहीं कितने निशाने गुरुजी चला देते हैं, क्योंकि एक बच्चा अंदर वो अपनी जर्नी कर रहा है, मैं यहाँ अपनी जर्नी कर रही हूँ, मेरा बच्चा दूसरा वाला अपनी जर्नी कर रहा है, अंकल की जर्नी डिफरेंट थी, लेकिन we are all connected to Guruji. तो वो गुरुजी कैसे करते हैं, क्या करते हैं, और सबको ऐसे रखा था हाथों में, सबको हाथों में रखा हुआ था, सबका काम चल रहा था, बिल्स कैसे पे हो रहे थे यही नहीं पता होता था हमारा।
तो गुरुजी की लीला अपरंपार है, गुरुजी के सत्संग तो बहुत है, जब से ये जर्नी गुरुजी से हम लोग जुड़े हैं, गुरुजी अपनी लीलाएं करते जाते हैं, कथाएं बनाते जाते हैं। काश हम उस बच्चे की तरह हो जाए कि जो माँ रोज एक ही कहानी सुनाती है और बच्चा रोज कहता है कि वो कहानी सुनाओ वो कहानी सुनाओ, तो काश वो हमारी सोची भी हमारी वैसी हो जाए कि हम भी बस वो सत्संग में इतने रस जाए कि बार बार वो सत्संग सुनते जाए, वो बच्चे वाली सोझी हो जाए हमारी। क्योंकि कई बार मैं देखती हूँ कि सत्संग सुनाने लगते हैं तो कई कई लोगों के कहते हैं हमने तो सुना हुआ ये सत्संग, हमने तो ये सत्संग सुना हुआ डजंट मैटर, उस समय हमारी वो सोची ऐसी होनी चाहिए कि ये गुरु महाराज की कथाएं है, ये गुरु महाराज की कहानियां है जो हमने बार बार सुननी है और सुनाने वाले वही है। तो सत्संग तो वही होंगे जो महाराज ने लिखे हैं, कुछ हम क्रिएट नहीं कर सकते। बट हाँ, गुरु जी के ब्लेसिंग्स की और बात करती हूँ कि मेरे पास उस समय काम का ये होता था कि मुझे काम मैं ब्यूटिशियन हूँ, मुझे मेकअप आर्टिस्ट मुझे गुरु जी ने बना दिया। उस समय मुझे नहीं पता था कि मेरे में क्या टैलेंट है। मुझे कई लोग बोलते थे पहले व्हाई डोंट यू डू दिस ब्यूटी थिंग एंड दिस एंड दैट, मुझे कभी जरूरत ही नहीं लगी। मैं अंकल को ही हेल्प करती थी उनके बिजनेस में, मैं खुद ही ड्रेस होती थी, मुझे खुद को बहुत हर चीज का शौक था, पर मुझे कभी ऐसे नहीं लगा कि मुझे कॉस्मेटोलॉजी या मुझे मेकअप आर्टिस्ट या कभी ऐसे कुछ करना चाहिए था। लेकिन गुरुजी को पता था कि मेरे में क्या टैलेंट है और उन्होंने एनहेंस किया मेरे इस टैलेंट को। और मुझे कॉलेज से वहां से एक बार कोई कभी हमने इंक्वायरी की होगी और उस कॉलेज से मुझे बार बार फोन आ रहा है और मुझे कह रहे हैं कि आप आगे कॉस्मेटोलॉजी का आगे कोर्स कर लो। तो मैं अंकल को बोल रही थी मुझे बार बार वहां से फोन क्यों आ रहा है, कहते आ रहा है तो करना क्या है, तूने कुछ करना तो है नहीं, व्हाई डोंट यू जस्ट गो एंड टेक द कॉस्मेटोलॉजी लाइसेंस, तेरा टाइम भी पास हो जाएगा। तो टाइम पास करने के लिए आई जस्ट वेंट देयर कि चलो कर लेते हैं। कॉस्मेटोलॉजी का लाइसेंस ले लिया मैंने और उन दिनों जितना अपने आप को बिजी रखना आई थिंक वो गुरुजी ही करवा रहे थे सब कुछ, मुझे कॉस्मेटोलॉजी का लाइसेंस भी दिलवा दिया गुरुजी ने। एनीवे तो मेरी और उस समय थोड़ा सा हार्डशिप मैंने बहुत देखी थी उस समय, क्योंकि कॉस्मेटोलॉजी का लाइसेंस मिलते ही तुम्हें जॉब्स नहीं मिलती, आपको कहीं कुछ नहीं मिलता। मैं धक्के खा रही थी सलॉन टू गिव मी जॉब्स, दे वर नॉट गिविंग मी, दे वर गिविंग मी एज अ शैम्पू गर्ल। मैं शैम्पू गर्ल भी करके मैंने कर लिया, मैं मसाज भी करती, मैं क्या नहीं करवाया गुरु जी ने, जो कुछ मैं हम कभी खुद ही जाके अपने बाल धुलवाते थे, कभी खुद ही हम जाके अपनी मसाज करवाते थे, आज वही मैं कर रही हूँ। पर गुरु जी कर्म काट रहे थे। मैं गुरु जी कहती थी गुरु जी मुझे नहीं पता मेरे सामने कौन लेटा है कौन है, पर ये मैं मेरे को लगता है कि ये आप हो, ये आप हो और मैं आपकी मसाज कर रही हूँ। मैंने आपको कभी नहीं देखा पर मैं आपकी मसाज कर रही हूँ, मैं आपको कर रही हूँ। मैं उनको सामने रख के सारे अपने कर्म कटवाए मैंने, तो मैं वो करती थी और जितने पैसे आते थे बड़ी खुश होती थी कि शुक्र है कि पैसे आ रहे हैं। तो घर में कोई नहीं होता था, हमारा एक पीछे एक पीछे बैक रूम है जिसमें हमारा ऑफिस था, तो वो ऑफिस बंद हो गया, उसमें अटैच बाथरूम भी था। सो जस्ट टू जनरेट सम इनकम तो हमने वो रेंट दे दिया था। तो हमारे पास उस समय पैसे ये की बहुत प्रॉब्लम होती थी, हमने अपने खर्चे पूरे कम कर दिए, सारी जितनी गाड़ियां थी सब पीछपाच के। जिसी तरह से मेरा ये रहता था कि मैं किसी से हाथ ना फैलाऊं, किसी के आगे हाथ, गुरुजी से बस एक ही प्रार्थना होती थी गुरुजी मैं किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं, मुझे अपने बलबूते पे खड़े करना, जो भी करना हो मेरा हाथ हमेशा देने में रखना, आपने हमेशा देने में रखा है, देने में रखना मुझे। तो मेरी बस गुरुजी से हमेशा यही प्रार्थना रहती थी और गुरुजी ने मेरी उस प्रार्थना की लाज रखी, बहुत लाज रखी और मुझे खड़ा कर दिया। अंकल को तो बहुत भटकाया उन्होंने, अंकल को तो बहुत ही बट
यू नो ही वॉज हैप्पी वॉट ही वॉज डूइंग देयर. बच्चे को तो अंदर पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, यू नो उसको उसका खर्चा और छोटे बच्चे का, ही वॉज इन अ कॉलेज, उसका खर्चा. बट गुरु जी किस तरह से कैसे कर रहे थे, कहाँ से चेक आ रहे थे, कहाँ से क्या हो रहा था, मुझे समझ ही नहीं आती थी यू नो कि कैसे हो रहा है, सब कैसे हो रहा है. पर गुरु जी सब कुछ करते थे यू नो, क्योंकि खर्चे कम हो गए थे, कोई है था ही नहीं यू नो, जितना कमाते थे उतना भी इनफ होता था यू नो, बहुत इनफ था यू नो, तो कम में भी गुरुजी ने जीना सिखा दिया यू नो कि जी सकते हैं कम में भी, अगर जरूरत है, अगर हम अपनी कम कर दें, हम फालतू खर्चे कम कर दें तो हम जी सकते हैं, पार्टियां ना करें, हम कहीं ना जाए, हम कपड़े ना अच्छे ले, तो खर्चा खाना पीना ही होता है यू नो, तो गुरुजी ने वो भी सिखा दिया यू नो, बहुत सिखा दिया. तो उस समय मेरी मुझे एक मेरी किसी से मिलवाया, एंड शी वाज अ मेकअप आर्टिस्ट, एंड शी सेड यू नो व्हाट, मुझे लेके जाती थी वो, उसने सिखाया मुझे मेकअप का, लेकिन वो एयरब्रश का मेकअप करती थी और मेरे पास एयरब्रश की मशीन नहीं थी, तो मुझे बोला कि गीतो यू नो व्हाट, आई विल टेक ओनली कैन टेक यू अंडर माय विंग्स इफ यू हैव दिस मशीन. और मशीन महंगी थी यू नो, मेरे को मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ से करूँ, पर मैं ये कहती थी गुरुजी मैं अगर चाहती तो मैं किसी रिश्तेदार को बोल सकती थी, किसी को भी, हमारे रिश्तेदार बहुत सारे थे, दे ऑल हेल्प्ड अस यू नो व्हाइल फॉर माय सन यू नो लॉयर्स की मैं फीस नहीं कर पाती थी, तो वो उन्होंने सबने हेल्प करी, लेकिन डे टू डे का खर्चा या डे टू डे की बिल्स या डे टू डे के आगे मैं किसी के आगे हाथ नहीं बनाना चाहती थी, मैं वो हैबिट नहीं बनाना चाहती थी अपने. तो गुरुजी को हमेशा प्रार्थना करती थी कि गुरुजी छोटे छोटे जो बिल्स है, जो काम है, आप प्लीज पूरा करो उनको किसी तरह से. तो अब एयरब्रश की मशीन मैं कहाँ से लाऊं, मुझे समझ नहीं आई. तो मैं गुरुजी को देख के बैठ गई, मैंने कहा गुरुजी अब आप ही बताओ मैं एयरब्रश की मशीन कहाँ से लाऊं, यू नो मैं कैसे काम शुरू करूंगी. मैं भी बैठी थी गुरुजी को बोल के सामने, तो हमारे पीछे जो रूम था वो हम मैंने किराए पे दे दिया था, तो ही वाज अ डॉक्टर इन पास में हमारे हॉस्पिटल है, तो ही वाज डूइंग अ रेजिडेंसी. तो एकदम दरवाजा खटकाता है, तो मैंने दरवाजा खोला तो उसके हाथ में लिफाफा था, दैट वाज एंड ऑफ द मंथ यू नो, एंड मुझे लिफाफा देता है. तो मैंने कहा ये क्या है, तो कहता है कि रेंट है. तो मैंने कहा रेंट तो आप दे चुके हो, तो कहता है कि मैं आज बैंक गया था, तो हमेशा मैं आपको लेट देता हूँ, तो आज मैंने सोचा कि अगले महीने का रेंट आपको अभी दे देता हूँ. तो ऐसे कौन कर सकता है यू नो, एंड ऑफ द मंथ यू नो, और मुझे जरूरत है और यू नो, और उतने ही पैसे जितने मुझे मशीन की जरूरत है, वही पैसे मेरे हाथ में गुरुजी ने राइट अवे अभी से बोला, गुरुजी मुझे नहीं मालूम आपने करना है. और वो बंदा गुरुजी कैसे उनके दिमाग में डालते हैं, कैसे उससे पैसे निकलवाए, और उसको मुझे लिफाफा हाथ में पकड़ाता है, और मैं जाके फटाफट जाके नेक्स्ट डे ही मशीन खरीदती हूँ और उसके साथ यू नो काम में लग जाती हूँ. तो ये गुरुजी है यू नो, आपकी छोटी छोटी चीजें, छोटी 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 बातों का ध्यान रखते हैं आप, यू नो मांगते भी नहीं हो, लेकिन आप जब मांगते हो तो वो तत्काल पूरा भी करते हैं. तो आपके कर्म तो कटवा रहे हो, लेकिन वो विद गुरु इट्स अ पीस ऑफ केक यू नो. सो इफ अगर कोई दुख आया है, कुछ आया है, तो आप ये समझो कि गुरुजी हैं और गुरुजी कर्म कटवा रहे हैं हमारे, और गुरुजी साथ है. तो सत्संग तो खैर बहुत है, इफ यू हैव टाइम आई कैन गो ऑन, आई डोंट नो. जय गुरुजी आंटी. जय गुरुजी आंटी. नहीं, इफ यू वांट यू कैन टेक 5-10 मिनट्स मोर आंटी. ओह ओके, आपका मन है, यू कैन टेक. ये सत्संग है बड़े मंदिर का, जनवरी की बात थी. आई वाज इन जयपुर, मैं जयपुर में थी अंकल के पास दैट न्यू ईयर्स में. तो अंकल को मैं बोल रही थी कि यू नो आप छुट्टी नहीं लेते हो, आप लेट्स गो यू नो चलते हैं डुबरी मंदिर वगैरह यू नो. अंकल वाज बिजी, ही वाज वर्किंग यू नो इन जयपुर एज अ डॉक्टर अंडर इन वन ऑफ द फ्रेंड्स क्लिनिक.
तो उनको हार्डली छुट्टी मिलती थी, तो नहीं जा पा रहे थे. तो उन्होंने बोला कि why don't you go ahead, you know, आप अपना प्रोग्राम बना लो और चले जाओ, you know, डुगरी भी हो जाओ और जलंधर और you know, बड़े मंदिर वगैरह होके आ जाओ. I said okay, you know, आप नहीं जा सकते बट मेरा बड़ा मन है, so I can. So I made a plan. तो I took a bus ride, bus li, or I called one of my friend there, you know, in Delhi, and she, we've been friends since 2010, you know, on the Facebook. अब कभी मिले नहीं आपस में, but ऐसे friend थे, और she also, you know, हमारी बातचीत होती थी, you know, पर बीच में मैं भी got lost the connection, but somehow वापस connection जुड़ गया. गुरुजी ने उस समय दोबारा जोड़ दिया शायद उससे, उसके साथ connection. ये 2014 की बात है शायद. But then I called her. I said I'm coming. मैं आ रही हूँ दिल्ली and मैं डुगरी मंदिर भी जाना चाहती हूँ और जलंधर मंदिर भी जाऊँगी, बड़े मंदिर जाऊँगी. तो बोले आंटी मैं ना कभी डुगरी मंदिर नहीं गई, जलंधर मंदिर तो मैं गई हूँ, मैं आपके साथ चल सकती हूँ. मैंने कहा sure why not, you know, so let's meet. तो वो मैं दिल्ली पहुंची, वो मुझे वहां पे लेने आई, तो we met for the first time, you know, and बड़े खुश हुए हम लोग आपस में, हम लोग बात करते. वो थर्सडे था, आई थिंक इट वॉज 2nd of January, यू नो. हम लोगों ने बहुत कुछ शेयर किया, पता चला कि आई वेंट थ्रू अ हार्डशिप एंड द सेम टाइम शी वॉज गोइंग थ्रू, शी ऑल्सो वेंट थ्रू अ हार्डशिप. तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे एंड यू नो वी शेयर्ड, यू नो, अपनी अपनी जर्नी हमने गुरुजी के साथ की शेयर करी. हम मंदिर गए उस दिन, यू नो, तो थर्सडे का दिन था, तो और नेक्स्ट डे हम लोगों ने डुगरी जाना था, यू नो, फर्स्ट संडे था, यू नो, फर्स्ट संडे को हमने डुगरी मंदिर पहुंचना था. तो हम गए तो वहां पे लंगर किया हमने. इतनी भीड़ नहीं थी वहां पे उस दिन, क्योंकि मे बी 31st को बहुत संगत होगी, 1st को भी बहुत संगत हुई थी, 2nd को इतनी संगत ज्यादा नहीं थी. और तो हम दोनों ने लंगर पे बैठे, तो भारी लंगर लगा हुआ था, यू नो, मे बी अंदर यू नो सफाई हो रही होगी या क्या, यू नो, दे वर डूइंग समथिंग. तो भारी, उन्होंने भारी बिठाया हुआ था, टेंट लगाए हुए थे. तो लंगर आया तो हमारा चार जनों में मैं बैठी, और उसको गुरुजी ने दो जनों में बिठा दिया, मेरी फ्रेंड को संगति है तो उसको दो जनों में बिठा दिया गुरुजी ने. तो मुझे देखने लगे, कहती आंटी इतना लंगर, माय गॉड. तो मैंने कहा खा लो, गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, यू नो. और उस दिन ऐसा था कि साग बनना था, मक्की की रोटी बनी थी, यू नो. और कभी भी मैंने बड़े मंदिर में नहीं देखा कि ऐसे करमंडल लेके वो घूम रहे हो और हमें लंगर खिला रहे हो, यू नो. क्योंकि थाली आ जाती है, पर जितना थाली के अंदर होता है लंगर होता है, बस वही खाते हम लोग. पर उस दिन गुरुजी ने इतना खिलाया हमें, सेवादार लाल आके करमंडल से हमें, और साग और सब्जी और मक्की की रोटी पेट भर के, जैसे कहते हैं ना, ऐसे खिलाया उन्होंने हमें. और भी आंटी और खाओ, आंटी और खाओ, ऐसे पेट भर के, बहुत मतलब बहुत प्यार से खिलाया गुरुजी ने. उस दिन भोग भी लगाया था मैंने बड़े मंदिर में. तो गुरुजी बड़ा प्यार कर रहे थे उस दिन, बहुत प्यार कर रहे थे, बहुत लाड आ रहा था शायद गुरुजी को हम पे. तो जब खा के हम लोग थोड़ा सा निकलने लगे थे हमने, तो मेरे को थोड़ा गौरव अंकल से काम था, तो मेरी फ्रेंड को मैंने बोला मुझे थोड़ा अंकल से काम है, तो कहना है आप चलो ये ऊपर, उनके उस समय कंस्ट्रक्शन चला था, तो ही हैड अ ऑफिस अपस्टेयर्स. सो तो हम ऊपर चले गए और अंकल से बात कर रहे थे. तो Even I introduced her to uncle also. So, वो भी अंकल को अपनी बता रही थी अपनी जर्नी एंड ऑल, यू नो. सो एनी वे, तो हम वहां से जैसे करके हम बात करके हम निकल गए. तो जल प्रसाद पी के हम बाहर निकल ही रहे थे, तो फटाफट एक और अंकल आते हैं, सेवादार आते हैं और कहते हैं भैया आपको बुला रहे हैं. तो मेरे को लगा शायद भैया गौरव अंकल शायद इसको बुला रहे हैं, बिकॉज शी वाज शेयरिंग हर यू नो सत्संग टू अंकल. तो मैंने कहा आप जाओ, आपको शायद अंकल बुला रहे हैं. तो कहते हैं नहीं आंटी आपको भी बुला रहे हैं, यू नो आप भी आइए.
तो हम दोनों वापस चले गए अंकल के पास. तो अंकल ने कुछ काम कर रहे थे, अंकल सोफा पड़ा था, अंकल बोला बैठ जाओ दोनों जने, यू नो. वहां से वापस बुला लिया हमें जल प्रसाद से और बोला कि दोनों जने बैठ जाओ. हम बैठ गए. बैठ गए तो वहां पे थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि इतना बड़ा थाल हलवे का आता है और गरम गरम एकदम. और अंकल को देते हैं वो और सेवादार गौरव अंकल को कि अभी अभी गुरुजी को भोग लगाया है, गरम गरम हलवा इतनी पूरी थाल भरा हुआ था. तो गुरु अंकल ने एक चम्मच खाया उसमें से और पूरा का पूरा थाल हम दोनों को दे दिया. कहते हैं कि दोनों जने खत्म करो. तो मैंने कहा अंकल सीरियसली? कहते कह दिया ना दोनों जने खत्म करो उसको. तो और वो कह के चले गए. वो हमारे को इतना बड़ा हलवे का थाल पकड़ा के और चले गए. और मैं और वो एक दूसरे को देख रहे हैं, मेरी फ्रेंड और एक दूसरे को, कि अभी तो हम इतना लंगर खा के आए नीचे, इतना उन्होंने भर भर के खिलाई. ये भी नहीं कि चलो हमको एक थाली में, मतलब उसने तो दो जने खा के आए, उसने तो डबल खाया है. तो मेरी शक्ल देखी, मैं उसकी शक्ल देखूं, कहते आंटी अब तो खाना पड़ेगा उसको. तो उनका ओके. तो कैन यू बिलीव इट कि हम दोनों क्या कर रहे थे. वो मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी. वो कहती है गुरुजी आपने इतने अच्छे जोड़े को क्यों अलग कर रखा है, क्योंकि मैं यहाँ रहती थी न्यूयॉर्क में और अंकल वहां थे. तो 3-4 साल से हम लोग भटक रहे थे, यू नो 2011 से लेके 14 तक अंकल वहां पे थे. यू नो हम मैं आती जाती रहती थी. यू नो अंकल चाहते थे मैं वहां रहूं, पर मुझे जयपुर इंडिया अच्छा पसंद नहीं आता था. मुझे लगता था नो आई एम क्वाइट सेटल्ड हियर, यू नो बच्चे यहीं पे है, मैं नहीं रहूंगी. और अंकल अपनी जॉब ट्राई करे जा रहे थे बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स में, क्योंकि ही वाज एंजॉयिंग बीइंग अ डॉक्टर, जो कि यहाँ पे वो डॉक्टर उनके पास लाइसेंस नहीं था. तो ही वाज एंजॉयिंग दैट. तो वो नेम्स में अप्लाई कर रहे थे और यू नो ही वाज. पर मैं गुरुजी को कहती थी गुरुजी मैं नहीं रह सकती, मैं आपको पता है कि आपने क्या करना है, पर मुझे आप जो चाहोगे यू नो. पर समहाउ गुरुजी न्यू दैट मेरे अंदर से हमेशा मेरे को न्यूयॉर्क ही अच्छा लगता था, न्यूयॉर्क ही रहना चाहती थी मैं. तो एनीवे तो वो मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी गुरुजी को और हम एक एक चम्मच खाए जा रहे हैं और मैं प्रार्थना कर रही हूँ गुरुजी को, गुरुजी कि आपने क्यों उसको इतना भटका रहे हो. शी वॉज हैविंग अ मैरिटल प्रॉब्लम, उसको बहुत टाइम से वो बच्चों की खातिर उस मैरिज में थी, ना आड़ थी ना पार थी, यू नो. सो शी डिडंट नो व्हाट टू डू, यू नो. तो मैं गुरुजी को कहती हूँ गुरुजी इसको आड़ करो या पार करो, यू नो इसको सेटल करो, इसको यू नो गिव हर समथिंग, यू नो दैट शी कैन लुक फॉरवर्ड, यू नो. अटकी पड़ी है बच्चों के लिए, यू नो. तो was praying for her and she's praying for me. So karte karte hum log pura halwa kha gaye, pura thal ka halwa hum kha gaye, you know, ek dusre ke liye pray karte karte. जब हम वापस आए हम लोगों ने यू नो हम देखा अपना, हम लोग दोनों ने हलवा ही खा लिया, खत्म कर दिया, क्योंकि हम दोनों इतने उसमें थे यू नो एक दूसरे से प्रार्थना करने में कि वी फिनिश यू नो द होल हलवा. हम लोग पार्किंग लॉट में आए तो अच्छा उस समय जब गौरव अंकल ने हमें बुलाया तो हमारा उन्होंने इंतजाम भी कर दिया यू नो डुगरी जाने का नेक्स्ट डे की हमें कार पिकअप कर लेगी. उन्होंने फटाफट किसी को बुला दिया कि कल इनको डूरी इनको साथ लेके जाना. तो वो भी गुरुजी ने करवा दिया कि तुम्हें बस में धक्के दुक्के खाने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से जाओ. तो वो भी गुरुजी ने करवा दिया. तो यू नो सब गुरुजी लाड कर रहे थे, बहुत प्यार कर रहे थे. you know, उस दिन तो गुरुजी को हम पे बहुत ही लाड आया था. तो हमें जैसे हम वहां पे पहुंचे पार्किंग लॉट पे तो एक सेवादार आए और दो लड्डू मेरी फ्रेंड को और पकड़ा गए. तो मेरे को बोले आंटी दो लड्डू और आ गए. मैं आंटी एक आप ले लो. मैंने कहा नहीं आंटी आपके हाथ में दिया है गुरुजी ने,
आप खाओगे, ये लड्डू आपके लिए हैं। तो आपको पहले भी दो जनों की थाली में दो जनों को बिठाया तो वो ब्लेस कर रहे थे, अब ये दो लड्डू भी आपके लिए भेजे हैं, आपके हाथ में दिए गए हैं, तो आप खाओ इसको, अब कार ड्राइव करते करते खा लो। आंटी ने किसी तरह से बातें करते करते हम लोग घर पहुंचे और उन्होंने वो दो लड्डू खा लिए, उन्होंने मुझे अपने घर में ड्रॉप किया और अपने घर चली गई। वहां से मुझे रात सवेरे सवेरे 7 बजे से मुझे फोन करे जाए, अब हमें वहां से मंदिर से आते आते 12-1 बज गए थे निकलते, तो घर पहुंचे सवेरे सवेरे, कहां मुझे फोन करे जा रही है 7 बजे से, यू नो शी इज की कॉलिंग में, तो मैं फोन ही उठा रही थी। तो बाद में मैंने फोन उठाया तो मैंने कहा क्या हो गया, यू नो यू बीन कॉलिंग मी सिंस 7 o'clock, वी जस्ट लेफ्ट यू नो सो लेट। तो कहती है आंटी आई हैव टू टेल यू समथिंग, आई हैव टू टेल यू समथिंग, आई कुडंट वेट, आई कुडंट वेट। तो मैंने कहा क्या हो गया, व्हाट हैपेंड? शी सेड आंटी जैसे ही मैं आपको छोड़ के मैं घर आई हूँ तो फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड ने बच्चों को सुला के ही वॉज वेटिंग फॉर मी, you know, and he said I want to talk to you, and mereko bitha ke usne us raat ko sara kuch settle kar diya, he settled everything, jo jo wo chahti thi, jo settlement chahti thi, jo kuch chahti thi wo us raat ko guru ji ne sara uska settle kar diya। तो हम कहते हैं ना कि गुरुजी खिला खिला के ब्लेस करते हैं, सो वो ही किया गुरुजी ने, इतना खिलाया उसको, इतना खिलाया और वो ब्लेस करना चाह रहे थे उसको। तो घर जाते ही उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व, यू नो शी वाज कंटेंट, व्हाटएवर द डिसीजन वाज, व्हाटएवर द सेटलमेंट वाज, शी वाज वेरी हैप्पी विद इट। तो शी सेड आंटी मेरा तो सारा ठीक हो गया। मैंने कहा ओके वेरी नाइस, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक का। पर मैं सोचू, मैंने कहा इसका तो सब ठीक हो गया, व्हाट अबाउट मी गुरु जी? मैं कहा यू नो हम तो दोनों चले अलग अलग, एंड अंकल तो इज ट्राइंग, यू नो मैं तो वहां पे थी, एंड ही इज ट्राइंग फॉर द नेम्स में, बड़े हॉस्पिटल में अप्लाई करने गए हैं, वहां पे तो इंटरव्यू देने गए हैं, इनका तो ये तो ये रहने वाले हैं, मैं तो रह नहीं सकती, मेरा तो आना जाना रहेगा, यू नो वेयर आई रियली वांटेड हिम टू कम विद मी, बट वो गुरुजी जाने, यू नो आई डोंट नो, बट एनीवे बड़े अच्छा, बड़ा अच्छा ट्रिप गुरुजी ने रखा, यू नो हम जलंधर गए, हम जलंधर मंदिर गए, हम डुगरी मंदिर गए, गुरुजी ने इतना प्यार किया, इतना इतना कुछ, यू नो वी कांट टेल यू नो हाउ ब्लेस्ड वी वर, वी वेंट टू पटियाला, वी वेंट टू मटकन आंटी, वी स्टेड बाय हर, यू नो। तो गुरुजी प्यार करते हैं आपको, संगत के थ्रू प्यार करते हैं आपको, बहुत प्यार करते हैं, यू नो दिखाते हैं, यू नो यू कुड फील इट। तो जब मैं वापस आई, जयपुर आ गई, तो अंकल वॉज वेटिंग, मैंने पूछा अंकल से कि कैसे रहा आपका इंटरव्यू, कह रहे मेरा तो इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, एंड मेरे तो सैलरी भी पक्की हो गई, मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया, एंड आई एम जस्ट वेटिंग कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, एंड देन दैट्स इट, आई एम यू नो आई हैव वेरी गुड जॉब इन निम्स, बहुत एक बड़ी हॉस्पिटल में मुझे जॉब मिल गई। मैंने कहा कि आप रहे ना, मैं तो आती जाती रहूंगी, बिकॉज आई कांट लिव हियर, यू नो मुझे तो नहीं अच्छा लगता इंडिया में। तो ओके फाइन, यू नो बट गुरुजी नोस, यू नो व्हाट आई वांटेड। तो वी वर वेटिंग, एक हफ्ता बीत गया, दो हफ्ता बीत गया, कुछ नहीं आया, यू नो उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं आया। तो ये कॉल करने लगे वहां पे अपने फ्रेंड को जो उनको जॉब दिला रहे थे, यू नो डॉक्टर थे, तो कहने लगे पता नहीं क्या हुआ दीपक, तेरा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिल रहा, यू नो साइन पड़ा था, साइन था, पर तेरा कॉन्ट्रैक्ट गायब हुआ है ही नहीं, यू नो देयर इज फाइल ही नहीं। तो और अंकल कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, कहते हैं सच्ची कभी ऐसा हुआ नहीं, पर तेरी फाइल ही नहीं है यार, तेरी वो कॉन्ट्रैक्ट की फाइल ही नहीं है। तो और वो जो बंदा जिसने तेरे को जॉब दी वो तो चला गया, वो तो टूर पे चला गया, कहीं चला गया, वो तो अभी 2-3 महीने आने वाला नहीं है। तो अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो अंकल वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, ये क्या हुआ, अंकल तो पहले ही वो जो जॉब कर रहे थे वो करना नहीं चाह रहे थे, और यहाँ पे यू नो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा। तो आई एम लुकिंग एट गुरुजी के, गुरुजी ये आप ही कर रहे हो, यू नो आई एम प्रीटी श्योर। और मैं हमेशा बोलती थी गुरुजी मैं इनको नहीं बोलूंगी, ये मुझे बोलेंगे कि मैंने तेरे साथ चलना है, बिकॉज अगर मैंने बोला कि आप चलो तो ये मेरे साथ यू नो आएंगे तो सही, लेकिन देन एवरी टाइम ही विल टेल मी यू नो आई केम बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू।
तो मैं गुरु जी को बोली थी, गुरु जी आप ही इनको, आप ही बुलवाओगे इनसे. और वही हुआ, यू नो, आफ्टर फ्यू डेज ही टेल मी तुम कब वापस जा रही है, मेरी भी टिकट बुक करा दे, आई एम कमिंग विद यू. सो दैट्स इट, गुरु जी ने इनको मेरे साथ ही भेज दिया उस टाइम में. और गुरु जी को पता था कि ये साथ में आएंगे मेरे साथ, और हम लोगों ने यहाँ पे सेवा, उन्होंने सेवा लेनी है हमसे, यू नो. सो 2015 से यहाँ पे गुरु जी ने हमें, गुरु जी का ये दरबार बख्शा उन्होंने हमें बड़े मंदिर से, और हमें ये सेवा में रखा हुआ है, यू नो, प्यार में रखा हुआ है, हम दोनों को बिजी रखा हुआ है. तो शुक्राना मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना. इतनी ब्लिसफुल जर्नी है गुरु जी की. अगर हम बाड़े में रहते हो गुरु जी के, इट्स अ पीस ऑफ केक. लव यू गुरु जी, लव यू. थैंक यू आंटी. देयर सो मेनी सत्संग, सत्संग तो बहुत सारे है. बोलते जाओ, बोलते जाओ गुरु जी के, तो अनंतम, यू नो, प्यार ही प्यार है, यू नो, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है. थोड़ा सा करते हैं गुरु जी, बट वो वही है कि कर्म काट रहे हैं गुरु जी. कटवा लो गुरु जी के साथ, तो पीस ऑफ केक कटवा लो. बट ब्लिसफुल जर्नी है, ब्लिसफुल जर्नी है. बहुत प्यार करते हैं गुरु जी, बहुत प्यार करते हैं. जय गुरुजी आंटी, जय गुरुजी. थैंक यू. ब्यूटीफुल सत्संग आंटी, जो आपका पहले वाला सत्संग था मैं बता नहीं सकती. इट्स टू रियली ब्लेस्ड सत्संग. देखो गुरुजी, वही जहाँ इंसान की सोच खत्म होती है वहाँ गुरुजी अपना काम स्टार्ट करते हैं. करते हैं, करते वो खुद ही हैं, सोची भी वही देते हैं, समझ भी वही देते हैं, और करवाते भी वही हैं, करने वाले भी वही हैं. लेकिन है कि आपका विश्वास आपका होना चाहिए, प्यार आपका होना चाहिए, आपके उनकी वाणी में रहना बहुत जरूरी है, यू नो. लीव योरसेल्फ लूज टू हिम, यू नो, और व्हाटएवर थॉट्स ही इज गिविंग, दिस इज हिज थॉट्स, यू नो. एवरीथिंग इज सो प्योर, यू नो. प्योरिटी बहुत जरूरी है हमारे लाइफ में. और अंकल जैसे कह रहे थे कि मल्टीलिंगुअल चैनल है आप लोगों का, यू नो, हर तरह के भाषा में बोलते हैं. सबसे बड़ी भाषा हमारी प्यार की भाषा है, और गुरु जी ने शब्द वाणी से हमें जोड़ा, जो कि हमें समझ भी नहीं आती है, यू नो, फिर भी रसना जो हर कान में डलती है, यू नो, इट्स अ ब्लेसिंग. और कोई भी गुणगान किसी भी लैंग्वेज में करेगा तो इट्स सो ब्यूटिफुल, यू नो, क्योंकि वो बाणी जा रही है, चाहे आपको समझ आ रही है नहीं आ रही. सेम थिंग, छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ मैं. आई वॉज सेड माई डॉटर इन लॉ इज गेटिंग, माई सन इज गेटिंग मैरिड, और उनके, मेरी डॉटर इन लॉ के घर में पूजा थी, सत्यनारायण की पूजा थी. सो आई वॉज लाइक, ओ वाओ, यू नो, सत्यनारायण की पूजा है, तो मैंने कितने टाइम से सत्यनारायण की पूजा नहीं सुनी है, यू नो. एंड आई लाइक द चूड़ी प्रसाद एंड ऑल दैट, यू नो, केला और गिरी डाल के, यू नो. तो गुरु जी से जब जुड़े हैं ये सब तो बहुत पीछे रह गया, यू नो, ये सब हम पीछे रह गया है. तो हम गए वहाँ पे, मेरी डॉटर इन लॉ के, फ्यूचर डॉटर इन लॉ के घर में वहाँ पे. तो उन्होंने जैसे ही पंडित ने शुरू करी, तो पंडित गुजराती में बोल रहा था, माय डॉटर इन लॉ इज गुजराती. एंड मुझे तो कुछ समझ ही ना आए, बट मैंने कहा गुरु जी आपने इसी भाषा में मुझे सुनाना था, दैट्स ओके. आई वाज सो एक्साइटेड टू हियर, मैंने आंखें बंद कर ली. एंड कैन यू बिलीव इट, आई वाज ट्राइंग टू, यू नो, एक एक पीस करके मैं, बिकॉज कथा तो वही है, कथा तो वही है, यू नो, कथा तो चेंज नहीं होती है. तो कथा तो हमारी कथाएं भी यही रहनी है, हमारी कथाएं नहीं चेंज होनी है, ये गुरु जी की कथाएं है, लाइफ कथाएं चल रही है, यू नो. तो किसी लैंग्वेज में भी हो, आज मेरी कथा जो मैं आज हिंदी में सुना रही हूँ, यही कथा कोई और दूसरी लैंग्वेज में सुना सकता है, यू नो. तो इस कथा, यू नो, ये उनकी कथाएं हैं, ये चलती जानी है डिफरेंट लैंग्वेजेस में, तो जो जैसे समझ आता है, क्योंकि वो उनकी मदर टंग है, तो वो गुजराती में कर रहे थे. और मैंने ऐसे कई ऐसे पोलैंड की एक हमारी संगत थी यहाँ पे, पोलैंड की, यू नो, एंड नो, यू नो, शब्द वाणी वो नहीं समझ, हिंदी में बसती थी, लेकिन आके बैठती थी वो, यू नो. तो आई यूज टू आस्क कि हाउ डू यू अंडरस्टैंड, कहती यू वोंट बिलीव इट, इट फिल्टर्स इन दैट. और मेरे को समझ आती है ये, तो गुरुजी फिल्टर करके उसको शब्द समझाते थे, और वो आंख बंद करके बैठी होती थी. तो दिस इज ऑल गुरुजी, यू नो, उनकी बहुत समझने की लोड़ नहीं है, यू नो. ये रसना है, जो तो थोड़े करना पहन दिए, तो मैं ब्लेस कर दा हाँ.
So every language is so beautiful, or such a nice thing that you guys doing it. But again, the above all is a love that हमारे बीच में जो उन्होंने एक प्यार कड़ी जो जोड़ी है उससे हम जुड़ जाते हैं. एक जय गुरु जी बोलने से ही हम लोग जुड़ जाते हैं. तो ये तो एक बहुत बड़ी दान दिए ने हम सबको, और एक हम एक माला में पिरोया है, और उस माला के बीच में जो एक नॉट है ना, जो मोतियों की माला के बीच में एक नॉट होती है, वो प्यार की नॉट है उनकी. तो शुक्राना है मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना. थैंक यू.